देश के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ है। हिसार में गृह मंत्री अनिल विज का कार्यक्रम स्थगित हुआ, उनकी तबीयत जो है वो आज ठीक नहीं है और तबीयत खराब होने की वजह से दौरा रद्द किया गया। गृहमंत्री अनिल विज ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता यहां पर करने वाले थे। ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी ये पहली सुनवाई थी। हिसार में गृहमंत्री अनिल विज का कार्यक्रम आज उनकी तबीयत खराब होने के कारण स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको, पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग है हिसार में, उसमें प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज को पहुंचना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है आज ठीक नहीं है, जिस कारण उन्होंने अपना आज का दौरा जो है वहां पहुंचने का वो रद्द कर दिया है। ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी पहली सुनवाई थी जो कि हिसार में होनी थी, और गृहमंत्री अनिल विज जो हैं उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, जिसके कारण आज का ये कार्यक्रम रद्द किया गया। हालांकि अगला कार्यक्रम कब होगा इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है, और ये मासिक कार्यक्रम है तो क्या इस महीने का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा या फिर सीधे अगले महीने को ही कार्यक्रम होगा, इसके बारे में पूरी जानकारियाँ दे दी जाएंगी। लेकिन अभी तबीयत खराब होने के कारण उनका ये दौरा जो है वो रद्द हो गया है। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग उनके द्वारा यहाँ ली जानी थी आज, और वो आज नहीं हो पाएगी क्योंकि अनिल विज यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, इसका कारण उनकी खराब तबीयत है।